जय हिंद। इस वीडियो में लोग कुल दो कंपनी के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है आलोक इंडस्ट्री और दूसरा का नाम है अलका इंडिया लिमिटेड। दोनों कंपनियों में एक्चुअली में अभी चल क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है, मतलब आगे क्या हो सकता है, इसी के बारे में बताऊंगा और एकदम टू दी पॉइंट बताऊंगा। कोई घुमा फिरा की बात नहीं होगी, डायरेक्ट काम की बात बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग आलोक इंडस्ट्री से। आलोक इंडस्ट्री कंपनी का मार्केट कैप है 13,381 करोड़ रुपया, यानी कि एक मिड कैप कंपनी इसको कह सकते हैं। देखिए, मिड कैप कंपनी उसे कहते हैं जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के अंदर में आता है, तो उसको मिड कैप कंपनी कहते हैं। अब समझिए, शेयर प्राइस इसका 27 रुपया और देखेंगे तो लगभग 5% की तेजी आज के दिन इसमें देखने को मिली है। लेकिन दो दिनों से यह स्टॉक डाउन जा रहा था, दो दिनों के बाद आज इसमें लगभग 5% की तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ समझिए, जब यह तेजी देखने को मिल रही है तो इसका रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखें तो पहला रेजिस्टेंस लेवल 27.75 रुपये और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 29.25 रुपये। अगर यह अपने दूसरे रेजिस्टेंस लेवल को यानी कि 29.25 रुपये को पार कर लेता है तो बिजली जो इसका हाई है लगभग 35 रुपये के आसपास उसको पार कर लेगा। लेकिन मान लीजिए अगर डाउन जाने लगता है, जैसे पिछले दो दिनों से डाउन ही जा रहा था, तो अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल रहेगा 25.90 रुपये और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा 23.85 रुपये। इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि RSI है लगभग 53 के आसपास और RSI अभी अप ट्रेंड में है, तो शेयर प्राइस भी ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो अगर अपने सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लेगा तो इजीली अपने हाई तक पहुंच सकता है। हाई तक अगर नहीं भी पहुंचे, मान लीजिए 30-32 रुपये तक भी जाता है, तब भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, या अगर कोई व्यक्ति ऊपरी लेवल पर बाई करके फंसे हुए हैं और निकलना चाहते हैं तो आराम से निकल जाएगा। क्योंकि इस कंपनी में ज़्यादा समय तक बने रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप यहाँ समझिए, इस कंपनी का जो अभी Q4 का रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं आया है। इसके Q3 में जो रेवेन्यू हुआ था 2130 करोड़ का हुआ था, जो Q4 में देखेंगे कम होकर सिर्फ 211 करोड़ का ही रह गया है, यानी कि सेल्स कम हुआ है और जब सेल्स कम हुआ है तो प्रॉफिट में भी गिरावट आना स्वाभाविक है। देखिए, Q3 के पहले यह कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे लॉस कम कर करके यह Q3 तक एकदम बिल्कुल डेब्ट फ्री, मतलब लॉस से बिल्कुल फ्री हो गई। अब प्रॉफिट में आने के लिए यह कंपनी तैयार थी, उम्मीद था कि जो Q4 का रिजल्ट आएगा उसमें यह कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन Q4 का रिजल्ट आया उसमें भी यह कंपनी फिर से लॉस में आ गई है। यह अलग बात है कि लॉस इस बार थोड़ा कम हुआ है, Q2 में इसको 80 करोड़ से अधिक इसके ऊपर लॉस था, लेकिन Q4 में कम होकर सिर्फ 27 करोड़ का ही रह गया है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत अधिक है, लगभग 24,463 करोड़ रुपए का कर्ज है और कर्जा Q2 बढ़ रहा है। तो जब कर्जा, अगर देखिए कर्जा धीरे धीरे कम होता तो कोई चिंता की बात नहीं होती, लेकिन यहाँ बढ़ते हुए दिख रहा है और इसी के बदौलत इस कंपनी का बुक वैल्यू भी देखेंगे तो निगेटिव है, -36.1 रुपये के आसपास है और ये कर्जा इतना अधिक है कि इस कंपनी का मार्केट कैप भी उसके आगे कम पड़ जा रहा है। इसलिए इस कंपनी का जो वर्तमान का फंडामेंटल है उसको देखते हुए इसमें लंबे समय तक बने रहना मुनासिब नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं है तो ज़्यादा समय क्यों दीजिएगा, इससे कम समय में आप दूसरे कंपनी में उतना अपना इन्वेस्टमेंट लगा के इससे अच्छा कमा लीजिएगा। इसलिए जल्दी से मेरा जो सुझाव है बता रहा हूँ, बाकी आपको जो ठीक लगे, अगर आप इसमें रुकना चाहते हैं तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा इसका फंडामेंटल ठीक होने के लिए, उतना समय तक रुकना मुनासिब नहीं होगा। अब हम दूसरे कंपनी ऊपर चलते हैं जिसका नाम है अलका इंडिया लिमिटेड। देखिए, अलका इंडिया जो कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है और देखेंगे तो यार्न और फैब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का काम करती है। अब समझिए, अभी इसमें हुआ क्या है कि 5 अप्रैल के दिन से ये जो इसका कंपनी का शेयर है लोगों के डीमैट अकाउंट से मिसिंग दिख रहा है। अब इस कंपनी से लोगों के डीमैट अकाउंट से गायब दिख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का डर है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि कंपनी डिलिस्ट हुई है, जबकि कंपनी डिलिस्ट नहीं हुई है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है। आप समझिए, अभी यह कंपनी GSM 6 लिस्ट में है, सेबी ने इसको जांच पड़ताल करने के लिए GSM 6 लिस्ट में डाला हुआ है और जब कोई कंपनी GSM 6 लिस्ट में आती है तो उसमें ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद कर दिया जाता है। इसमें अभी ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है और आपके डीमैट अकाउंट से बिल्कुल गायब दिख रहा है, लेकिन कंपनी डिलिस्ट नहीं हुई है, यह बात आप मानकर चलिए, भरोसा रखिए। सेबी की अभी इंक्वायरी चल रही है इस कंपनी के ऊपर, जो भी अपडेट होगा मैं उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन डिलिस्ट अभी नहीं हुई है और ना ही डिलिस्ट होने की इसकी कोई योजना है। आप समझिए, सबसे मेन जो सवाल है कि सेबी ने इसको GSM लिस्ट में डाला ही क्यों है, ये बात मेरे समझ से भी परे है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 142 करोड़ का है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी पेनी स्टॉक है, इसमें रिस्क है, लेकिन इतना भी छोटा कंपनी नहीं है, 10-20 करोड़ का कंपनी नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2.75 करोड़ का कर्जा है, कुछ ज़्यादा कर्जा नहीं है। इसके अलावा इसका बुक वैल्यू भी निगेटिव नहीं है, बुक वैल्यू पॉजिटिव है। इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, लगभग 16% के आसपास प्रमोटर्स हैं। सब चीज़ ठीक चल रहा था, उसके बावजूद सेबी ने इसको GSM लिस्ट में डाल दिया और GSM लिस्ट में भी पहले GSM 4 में था, उसके बाद डायरेक्ट 4 से उठाकर GSM 6 में डाल दिया। ये बात थोड़ी सी समझ से परे है कि इसमें चल क्या रहा है, अब जो भी अपडेट होगा वो तो आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन कंपनी डिलिस्ट नहीं हुई है और ना ही डिलिस्ट होने के इसके कोई चांसेज हैं। समझिए, आप कर क्या सकते हैं। वैसे जब कोई स्टॉक GSM 4 लिस्ट में होता है तो उसमें सप्ताह में एक दिन ट्रेडिंग होती है, मंडे के दिन, लेकिन GSM 6 लिस्ट में आने के बाद उसमें कंप्लीटली ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, तो
फिर भी आप इंतजार कीजिए और जैसे आपको डीमैट अकाउंट में स्टॉक शो करता है आप उसी दिन इसको बेच के निकल जाइएगा, क्योंकि इस कंपनी में ज़्यादा समय तक बने रहने की जरूरत नहीं है। कोई कंपनी जब जीएसएम सिक्स लिस्ट में आ जाती है तो उसमें बहुत इस बात का खतरा बना रहता है कि वो आगे भी डिलिस्ट हो सकती है या डिलिस्ट होने के चांसेज रहते हैं। इसलिए आप सावधानी बरतिए, जिस दिन आपको डीमैट अकाउंट में शो करता है आप उसी दिन उसको बेच के निकल जाइएगा। लेकिन फिलहाल इसका डिलिस्ट होने का कोई चांसेज नहीं है, डिलिस्ट होने वाला भी होगा तो इसके बारे में कंपनी या सेबी की तरफ से कोई रेगुलेशन आएगा जिसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोनों कंपनी के बारे में जानकारी आपको मिल गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। और आज से टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में भी दे दिया गया है, टेलीग्राम से जरूर जुड़िए शेयर बाजार से संबंधित रेगुलर अपडेट को पाने के लिए। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।